सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको सेशन देने जा रहे हैं वो बेस्ड है कंप्यूटर टीचर पर, और उम्मीद करता हूं हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंट्रो गाइड पर आप कंप्यूटर रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस देख रहे हैं, टीचर रिलेटेड इंटरव्यूज देख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के भी वीडियोस देख रहे हैं। तो मैं आज वेलकम करता हूं मोनिका को। मोनिका, थैंक यू। मोनिका, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आप अगर कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो इसका वर्क प्रोफाइल क्या होता है? सर, टीचर के बहुत से वर्क्स होते हैं कंप्यूटर टीचर के। वो कंप्यूटर सिखाने के साथ साथ बच्चों को इनके लिए मोटिवेट और एडवाइस करता है, और कंप्यूटर कैसे वर्क करता है वो भी देखते हैं, और बिल्ड प्रोग्राम कैसे वर्क करते हैं वो भी देखते हैं सर। और एक साथ साथ में ये स्कूल के जो ऑनलाइन वर्क होते हैं वो भी कंप्लीट करते हैं। ये सब वर्क प्रोफाइल एक कंप्यूटर टीचर की रहती है सर। ओके, बहुत अच्छा बताया आपने। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि आप कंप्यूटर टीचर क्यों बनना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन? सर, कंप्यूटर हैज़ बिकेम ए पार्ट एंड पार्शल ऑफ आवर लाइफ, और डिमांड ऑफ कंप्यूटर इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही काफ़ी था। जब मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में थी तब हमारे स्कूल में हमें कंप्यूटर सिखाना शुरू कर दिया था। मुझे काफ़ी बेसिक नॉलेज भी है और मल्टीपल लैंग्वेज का भी नॉलेज है, जैसे एग्जांपल फॉर C++, जावा। मैंने BSc और MSc भी कंप्यूटर से की है, और मुझे काफ़ी नॉलेज है इस प्रोफेशन के लिए कंप्यूटर का। सो मुझे लगता है मैं इस प्रोफेशन के लिए बेस्ट हूँ, और मैं अपना नॉलेज को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ ताकि मेरी तरह और भी लोग इस चीज़ के लिए इंक्रीज हो। और जैसे टीचर ये कह सकता है, जैसे स्टूडेंट एक मिट्टी के घड़े की तरह होता है जिसे एक टीचर ही डेविल या गॉड बना सकता है। सो मैंने इस टीचिंग लाइन को सुना सर। वंडरफुल। तो मैं क्या आज आपसे टेक्निकल राउंड के बहुत से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? यस सर। तो उम्मीद है ये जो टेक्निकल राउंड के क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट्स के लिए रिटर्न में और इंटरव्यू में दोनों में काम आएंगे। यस। चलिए सबसे पहले मुझे ना आप ये बताइए कि 8 कंप्यूटर स्किल्स होती है जो हर टीचर को पता होनी चाहिए, तो क्या आप उन स्किल्स के बारे में जानते हैं? यस सर। बताइए। मैं आपका नाम बताती हूँ। टच टाइपिंग, नेटवर्किंग स्किल्स, ईमेल मैनेजमेंट स्किल्स, और सर इंटरनेट नेविगेशन स्किल्स, सर स्प्रेडशीट स्किल्स, और सर वर्ड प्रोसेसिंग स्किल्स। ओके, तो आपने जितनी बताई उसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा डेटाबेस मैनेजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन स्किल्स। थैंक यू सर। गुड। चलिए मुझे ये बताइए कि कंप्यूटर की मेन क्वालिटीज क्या होती है? सर, बहुत सी क्वालिटीज होती है, मैं आपको नाम बताती हूँ। रैम, रोम, प्रोसेसिंग, वेब कैमरा और कार लॉकिंग सर। वंडरफुल, इट्स गुड। अच्छा, 5 कैपेबिलिटीज बताइए दैट कंप्यूटर टीचर कैन इम्प्लॉय इन टीचिंग, टीचिंग के दौरान वो उसे अप्लाई भी कर पाए और बेनिफिट ले पाए, ऐसी कोई 5 कैपेबिलिटीज? सर मैं बताना चाहूंगी, एन इंफॉर्मेशन टूल्स, ए कम्युनिकेशन टूल, ए कंस्ट्रक्टिव टूल, ए को कंस्ट्रक्टिव टूल, ए सिचुएटिंग टूल। वंडरफुल। तो आपने 5 कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर बताई जो टीचर इंप्लॉय कर सकते। यस सर। वंडरफुल। चलिए मुझे ये बताइए कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस भी होती है? यस सर, बहुत सी लिमिटेशंस होती है, जैसे लैक ऑफ कॉमन सेंस, ओके, नो IQ, नो थिंकिंग, और नो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, और नो थिंकिंग कैपेसिटी, नो लर्निंग पावर, यूजर डिपेंडेंट। वंडरफुल। तो आपके कहने का मतलब है कि यूजर डिपेंडेंट है, थिंकिंग और इमोशंस वगैरह नहीं है? नहीं सर। ओके मोनिका, देर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज, सो कैन यू नेम देम? यस सर, लाइक एनालॉग कंप्यूटर, यस, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। वंडरफुल। क्या आप कंप्यूटर की फुल फॉर्म बता सकते हैं? श्योर सर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। वंडरफुल। चलिए भाई, और भी टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस लाया हूं मैं आज आपके लिए। सबसे पहले BIOS स्टैंड्स फॉर? सर, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम सर। वेरी गुड। और होट बूटिंग क्या होती है? सर, होट बूटिंग इट इज वे ऑफ रीस्टार्ट द कंप्यूटर, और ये बिना पावर सप्लाई इंटरप्ट किए हुए हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। ओके, कैन यू नेम 5 टाइप्स ऑफ हार्डवेयर? श्योर सर, मॉनिटर, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस और CPU सर। वेरी गुड। ओके, ये बताइए कंप्यूटर स्टूडेंट के लिए कैसे बेनिफिट है? सर, स्टूडेंट लाइफ में अब कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जैसे वह अपनी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है, असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकता है, अपनी प्रेजेंटेशन भी बना सकता है और अपने ग्रेड्स चेक कर सकता है सर। ओके, वंडरफुल। चलिए, कंप्यूटर टीचर जॉब के लिए कैसे हेल्पफुल है हमें ये बताइए। सर, कंप्यूटर टीचिंग प्रोफेशन में एक बहुत ग्रेट रिवोल्यूशन है। बहुत से वर्क्स हैं जो कंप्यूटर में ऑनलाइन टीचर इजीली कर सकता है, जैसे अटेंडेंस मैनेजमेंट करना, ग्रेड्स चेक करना, स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसे ऑनलाइन रिकॉर्ड रख सकता है, सो बहुत से काम कर सकता है सर। ओके मोनिका, पर मैं जानना चाहता हूँ कि क्लासरूम लर्निंग में इसके क्या बेनिफिट्स हैं? सर, बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे एजुकेशनल गेम, डिजिटल टेक्स्ट बुक्स, टीचिंग वेबसाइट्स, और सर एक और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ओके मोनिका,
Tell me the program which are as permanent as hardware and stored in ROM is known as? Sir, it is firmware. Wonderful. Cell phone use which software to access the internet? Sir, micro browser software. Wonderful. Monica, PNG stands for what? Sir, portable networking graphics. Good. World first truly cross-platform programming language is called? Sir, Java. Okay. Monica, WAN, WAN, का एक example दीजिए? Sir, ATM, automatic teller machine. Good. CDMA की full form बता सकते हैं? Sure, sir. Sir, code division, multiplex access. Very good. अच्छा, computer साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? Sir, ये 2 December को मनाया जाता है. Good. और सर्वाधिक computer वाला देश कौन सा है? Sir, USA देश है, sir. Okay. WWW का आविष्कार किसने किया था? सर, ये टीम बर्नर्ली और रॉबर्ट कैलियाउ ने किया था सर. वेरी गुड. HTTPS इसकी फुल फॉर्म बताइए. सर, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. वेरी गुड. आपका नॉलेज कंप्यूटर में बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है आपका नॉलेज. अच्छा, LCD की फुल फॉर्म बता सकते हैं? श्योर सर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले सर. ओके. मोनिका, क्या आप OCR की फुल फॉर्म जानते हैं? श्योर सर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. यस सर. ओके, बिट से आप क्या समझते हैं? सर, बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है सर. ओके. और संसार का पहला गणित यंत्र कौन सा था? एबेकस. ओके. मोनिका, आपकी हॉबीज क्या है एज अ कंप्यूटर टीचर? आपकी कोई स्पेशल हॉबीज? सर, मेरी हॉबीज है बुक रीडिंग करना, नए नए जगह घूमना, ट्रैवल करना, नए नए कल्चर से मिलना और कंप्यूटर सीखना सर. ओके. तो कंप्यूटर में आप क्या पढ़ना पसंद करते हैं? सर, मैं बहुत सी लैंग्वेज की नॉलेज ले रही हूँ और मैं इस टाइम बुक भी लिख रही हूँ एक. ओके. तो लैंग्वेज आप बुक लैंग्वेज पर लिख रहे हैं आप? यस सर. वेरी गुड. मोनिका, आपकी स्ट्रेंथ बताइए. सर, मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं ईमानदार हूँ अपने वर्क को लेकर, काफ़ी ऑनेस्टली इस प्रोफेशन को करूँगी. मैं अपने टाइम की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए मैं अपने वर्क को इसके टाइम लिमिट के हिसाब करूँगी. मैं पंचुअल हूँ अपने टाइम को लेकर सर. ओके. मोनिका, एज अ टीचर ऑफ कंप्यूटर आप में क्या क्वालिटीज़ है? सर, मुझे लगता है कि मैं बच्चों को प्ले वे में पढ़ा सकती हूँ, उन्हें काफ़ी एडवाइस और मोटिवेट भी कर सकती हूँ. जैसा कि मेरा नाम है, मेरा नाम मोनिका है, मेरा अपने नाम का मतलब होता है एडवाइज़र. right. और मैं उसे एडवाइस और मोटिवेट अच्छे से कर सकती हूँ कंप्यूटर लर्निंग के लिए. सो मुझे लगता है कि मैं इस प्रोफेशन के लिए बेस्ट हूँ सर. ओके. और मोनिका, आपने कोई वीकनेस? सर, वीकनेस है कि मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है और मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की क्लासेस भी ले रही हूँ. ओके. सो तो ये अच्छी बात है कि आप अपनी वीकनेस जानते हैं, इट्स गुड थिंग. अच्छा मोनिका, आप कंप्यूटर फील्ड में आ रहे हैं तो ऑब्वियस है, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन हमसे क्या है? सर, मनी डजंट मैटर फॉर मी, वर्क इज वर्शिप फॉर मी. ओके. और ग्रोथ मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं किसी की हेल्प करते हुए अगर पैसे कमा रही हूँ तो मुझे बहुत सब आगे की बात होगी सर मेरे लिए. बहुत अच्छा बताया आपने. अच्छा मोनिका, आपके घर में कोई और भी टीचर है? सर, मेरे मदर हैं, वो टीचर हैं. okay. और मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर हूँ, वो मेरे लिए आइडल है एक. ओके. इसीलिए शायद आपने टीचिंग प्रोफेशन चूज किया. यस सर, दैट्स वेरी गुड. तो मैं अपने व्यूवर्स से डिस्कस करना चाहूँगा कि दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं, और हमारे जो वीडियो देखने वाले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट तक हमारा जो वीडियो देखते हैं, तो ऑब्वियस उनके लिए टिप जरूर होता है. लास्ट में हर बच्चे को मैं टिप जरूर देना पसंद करता हूँ, और आज का टिप बहुत इंटरेस्टिंग है. देखिए दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर टीचर कहीं भी जाएंगे तो ऑब्वियस आपका सैलरी पैकेज जरूर पूछा जाएगा कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है. तो ऑब्वियस मोनिका ने बहुत अच्छा आंसर दिया था कि ग्रोथ इज मोर इंपॉर्टेंट, मुझे अच्छा लगा. और अगर कल ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो यू मस्ट हैव अ गुड आंसर. यू कैन स्टेट, सर, सैलरी इज नॉट ओनली एसेंशियल थिंग फॉर मी, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मोर इंपॉर्टेंट. हाउएवर, आई एम श्योर दैट इफ यू मेक मी एन ऑफर, इट विल बी इक्वल टू माय क्वालिफिकेशंस एंड द करंट सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री. इसके साथ साथ दोस्तों, यदि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से मोनिका ने बताया कि मेरा एक्सपीरियंस है सर रहा है एज अ कंप्यूटर टीचर, तो आप भी कह सकते हैं सर जॉब चेंज डज इंक्लूड अ रिस्क, therefore deserves a suitable increase. इस तरीके से दोस्तों आप अपनी answering दीजिए, definitely the results are best. और we are really thankful to you Monica, आपका knowledge level बहुत अच्छा है regarding computer. proud of you. keep it up. blessings to you Monica. thank you sir. thank you.